हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं पर अवांस होल्डिंग लिमिटेड आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करने वाले अवांस होल्डिंग कंपनी के बारे में, इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज देखेंगे, इसके फाइनेंशियल डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि इसमें आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है, कितना इसका ग्रे मार्केट में चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले मैं आपको इसके कंपनी के बारे में बता देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी के काफ़ी सारे इसके बिजनेसेस हैं यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन बात करें कंपनी की, तो कंपनी जो यहाँ पर 2009 में यहाँ पर इनकॉर्पोरेट हुई थी। और इसके कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस प्रोवाइड करती है, गोल्ड रिफाइनिंग करती है, ज्वेलरी का बिजनेस है, कमोडिटी ट्रेडिंग है, एग्रीकल्चर ट्रेडिंग एंड वेयर हाउसिंग का बिजनेस है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करती है और रियल इस्टेट का बिजनेस भी कंपनी के पास में है। इसके अलावा बात करें तो अवांस होल्डिंग लिमिटेड प्रोवाइड्स एनबीएफसी सर्विसेज, ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग इन इक्विटीज, कमोडिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, प्राइवेट क्लाइंट स्टॉक ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, असेट मैनेजमेंट सर्विसेज, इन्वेंटरी एडवाइजरी सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज टू कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशनल एंड हाई नेटवर्क क्लाइंट्स। तो ये इनके सारे बिजनेस हैं। अब इन सबको बिजनेस को आप देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं, इसलिए कंपनी इन सभी बिजनेस को यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड करके रखा है। तो तीन पार्ट से जब आप इसको देखोगे बिजनेस को, तब आपको सारे बिजनेस ये समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अभी ये काफ़ी अलग अलग टाइप के बिजनेस आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो इसको अगर अपन तीन पार्ट में यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहला जो इनका बिजनेस है फाइनेंस का बिजनेस है यहाँ पर, और सेकंड जो बिजनेस है इनका एजेंसी बिजनेस है, और थर्ड जो बिजनेस है इनका यहाँ पर कैपिटल अदर बिजनेसेस हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं फाइनेंस बिजनेस के बारे में। तो ये इसका फाइनेंस बिजनेस में कंपनी क्या करती है, एनबीएफसी से रिलेटेड जो भी सारे बिजनेस होते हैं ये फाइनेंस बिजनेस के अंडर में आते हैं। तो अवांस फाइनेंस बिजनेस करके ये अलग ग्रुप है। तो इसमें ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है, एनबीएफसी है, इसमें एनबीएफसी के सारे बिजनेस आते हैं और इसी के लिए कंपनी यहाँ पर आईपीओ लाना चाहती है। सेकंड जो इसका बिजनेस है एजेंसी बिजनेस है, एजेंसी बिजनेस में कंपनी एक एज अ ब्रोकर काम करती है स्टॉक्स और कमोडिटी में, और इनके पास सारे जो एक्सचेंज होते हैं उनकी मेंबरशिप है, जैसे कि बीएससी, एनएससी, एमएससीआई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स और आईसीएक्स की मेंबरशिप इनके पास में है। एनएससी बीएससी में जैसे आपको पता है स्टॉक्स वगैरह ट्रेड होते हैं, और एमसीएक्स एनसीडीएक्स में ये कमोडिटी वगैरह ट्रेडिंग होती है। तो इन सब पर ये रजिस्टर्ड है, और ये सेबी से रजिस्टर्ड है ये इस बिजनेस में, और एनबीएफसी में ये आरबीआई से रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो इसका थर्ड बिजनेस है वो है कैपिटल अदर बिजनेस। तो इन दोनों बिजनेस के अलावा जो कुछ बिजनेस बचते हैं वो इसमें आते हैं। इसमें मेजरली आप देखेंगे यहाँ पर इंटरनल ट्रेजरी ऑपरेशंस जो होते हैं इसमें करते हैं, जो कि यहाँ पर एक्सेस फंड जो होता है उनको मैनेज करती है। इन दोनों के अलावा जो एक्सेस फंड इनके पास कंपनी पर बचता है वो फंड ये यहाँ पर कैपिटल एंड अदर बिजनेसेस में ये कंपनी यूज करती है, जो कि इनका यहाँ पर तीसरा बिजनेस है। अभी जो कंपनी में आईपीओ लाने वाली है वो एनबीएफसी के लिए लाने वाली है, एनबीएफसी में इनको पैसे की जरूरत है जिसके लिए कंपनी आईपीओ लाना चाहती है। इसके अलावा अपन बात करें कंपनी के पास तो टोटल 17 सब्सिडियरी कंपनी है, इसमें से 3 डायरेक्ट सब्सिडियरी कंपनी है और 14 जो है इनडायरेक्ट और स्टेप डाउन सब्सिडियरी कंपनी इसको कॉमन कह सकते हैं। तो इस टाइप की कंपनी पर टोटल 17 सब्सिडियरी कंपनी है। और कंपनी के बिजनेस की बात करें तो मोर देन 6 कंट्रीज में कंपनी अपना बिजनेस करती है, जैसे कि ईस्टर्न कंट्रीज हो गया, इंक्लूडिंग हांगकांग, यूएई, यूके, चाइना वगैरह, इन सभी कंट्रीज में कंपनी अपना बिजनेस करती है। तो ये कंपनी के हो गए बिजनेस। और इसके अलावा यहाँ पर बात करें कंपनी के, तो कंपनी का अगर एम्प्लॉय की बात करें तो मोर देन 100 एम्प्लॉयज इस कंपनी में यहाँ पर काम करते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज ऑफ 31 अगस्त 2022 तक का अपन देखेंगे तो 100 एम्प्लॉयज कंपनी में यहाँ पर काम करते हैं। और कंपनी के यहाँ पर स्ट्रेंथ की बात करें कंप्यूटर स्ट्रेंथ की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के पास एन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है, जो कि एनबीएफसी में है। इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज ये एक इनका कंप्यूटर स्ट्रेंथ हो गया। दूसरा जो बात करें स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करें तो इनका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर यहाँ पर अच्छा है। और थर्ड जो इनका है ग्लोबल एक्सपोजर प्रोवाइडिंग इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इनके पास है, तो इनोवेटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है यहाँ के एनबीएफसी के लिए बेनिफिट है, क्योंकि इनके पास अच्छे और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स हैं मार्केट के हिसाब से। तीसरा जो बात करें स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद क्लाइंट्स एंड मार्केट पार्टिसिपेंट्स, तो इनके पास मार्केट पार्टिसिपेंट्स भी अच्छे हैं और रिलेशंस भी अच्छे हैं क्लाइंट के साथ में, जो कि इनका एक कंप्यूटर स्ट्रेंथ का पॉइंट हो गया। इसके बाद बात करें लास्ट पॉइंट इनका स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एंड इफिशेंट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का अच्छा खासा इन्होंने यूज़ किया यहाँ पर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज में और क्लाइंट के साथ में रिलेशन बनाने में। तो ये सारे इनके कंप्यूटर स्ट्रेंथ हो गए। इसके बाद अपन अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। तो फाइनेंशियल्स में आपको दिखा देता हूँ कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी ठीक ठाक है कंपनी के।
प्रॉफिट्स वगैरह काफ़ी यहाँ पर बढ़े हैं कंपनी के पिछले कुछ टाइम में। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछले 2-3 साल का अपन फाइनेंशियल डेटा देखते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले अपन यहाँ पर देखेंगे 2020-21 और 22 तीन साल का अपन डेटा अगर यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पर कंपनी के रिवेन्यू की बात करते हैं। रिवेन्यू अगर आप 2020 में देखेंगे तो 2700 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू था, 68 करोड़ में है, तो 2771 करोड़ का इनके पास यहाँ पर टोटल कंपनी के पास में रिवेन्यू आया था। इसके बाद 2021 की बात करें तो रिवेन्यू 2700 करोड़ से कम होकर 1300 करोड़ पर रह गया है। 2022 की बात करें तो 646 करोड़ का यहाँ पर रिवेन्यू रह गया है। तो रिवेन्यू जब आप देखेंगे यहाँ पर 2700 करोड़ से यहाँ पर 646 करोड़, काफ़ी ड्रॉप डाउन आया है रिवेन्यू में। लेकिन इसका गेस में अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पर काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 2020 में इनका प्रॉफिट था 39 करोड़ का, जो कि 2021 में बढ़कर हो गया 45 करोड़, और अभी इनका 61 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है। तो रिवेन्यू जो इनका डाउन हुआ है लेकिन प्रॉफिट उतना इनका बढ़ा भी है, 40 करोड़ के आसपास इनका 61 करोड़ के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट हो गया है 2020 से 22 में। वही कंपनी की बोरोइंग की बात कर लेते तो इसका 2020 में बोरोइंग थी 318 करोड़ की, जो यहाँ पर कम होकर क्या हो गए 267 करोड़ की 2021 में, और वो भी कम होकर 85 करोड़ की यहाँ पर बोरोइंग रह गई है। तो रिवेन्यू जरूर इनका यहाँ पर कम हुआ है काफ़ी, लेकिन कंपनी के यहाँ पर प्रॉफिट्स बढ़े हैं और बोरोइंग भी कंपनी ने यहाँ पर उधारी काफ़ी कम किया है, 318 करोड़ से मात्र 85 करोड़ पर यह कंपनी आ गई है। और अभी अगस्त 2022 तक की बात करें अपन यहाँ पर तो इनका यहाँ पर रिवेन्यू 288 करोड़ का है, प्रॉफिट 29 करोड़ का है, और बोरोइंग मात्र 76 करोड़ की है। तो बोरोइंग यहाँ पर और भी कम हो चुकी है कंपनी की। तो ये कंपनी का फाइनेंशियल था, डेटा फाइनेंशियल काफ़ी कंपनी स्ट्रॉन्ग लग रही है यहाँ पर। और इसके बाद अपन बात कर लेते हैं कंपनी के यहाँ पर मेजर क्या है, यहाँ पर कंपनी IPO लाना चाहती है, तो दो ही यहाँ पर कंपनी रीजन बताए हैं। पहला तो रीजन कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी को फंडिंग की जरूरत है, जिसके लिए कंपनी IPO लाना चाहती है। और दूसरा जो मेजर रीजन है इनका, फर्दर इन्वेस्टमेंट इन NBFC। जैसा कि मैंने आपको बताया NBFC में कंपनी ये है मेजर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहती है NBFC सब्सिडरीज में, जिसके लिए इनको पैसों की जरूरत है, जिसमें ये कंपनी IPO लाना चाहती है। तो ये दो इनके मेजर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है IPO लाने के। इसके अलावा अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं कंपनी का यहाँ पर डेट्स की और इसके प्राइस बैंड की। तो प्राइस बैंड आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी का तो 250 से 270 का प्राइस बैंड है। 270 पे आपको ये IPO लिस्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा, 270 का कट ऑफ प्राइस रहेगा, और एक लोट में आपको 55 सेल मिलेंगे। IPO साइज की बात करें तो 345 करोड़ का IPO है, जो कि एक छोटा IPO है, ज़्यादा बड़ा IPO नहीं है। और 345 करोड़ में भी इनका 102 करोड़ का यहाँ पर फ्रेश इशू है, और बाकी जो है इनका ओफ्रेस है यहाँ पर। और IPO डेट की बात करें तो 12 तारीख को ओपन होने वाला है, 15 तारीख को IPO क्लोज हो जाएगा। अलॉटमेंट आपको 20 तारीख को मिल जाएगा, 21 को अगर आपको रिफंड मिल जाएगा अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो, और 22 को डीमैट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे, और 23 तारीख को आपको यहाँ पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा 23 दिसंबर को। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट थी IPO की। इसके अलावा अगर अपन यहाँ पर बात करें कंपनी के तो इसका अगर आप रजिस्ट्रार देखेंगे तो रजिस्ट्रार इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपको एक लोट में यहाँ पर एक लोट की बात करें तो एक लोट में आपको 15,000 के आसपास यहाँ पर पैसा लगाना पड़ेगा। लोट साइज़ की बात करें तो 55 शेयर आपको इसमें मिल जाएंगे एक लोट में, 14,850 रुपये लगाने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप 13 लोट लगा सकते हैं, इसमें आपको 715 लोट शेयर मिलेंगे 13 लोट में, और 1,93,000 आपको पैसा इसमें लगाना पड़ेगा। इसके अलावा मैं आपको दिखाने वाला था इसका रजिस्ट्रार, तो आप यहाँ पर रजिस्ट्रार भी देख सकते हैं इसका। रजिस्ट्रार पर आपको मेनली जब अलॉटमेंट आएगा तो आपको जाकर चेक करना पड़ेगा किसका रजिस्ट्रार कौन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका बिग शेयर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, इसका ये रजिस्ट्रार है। जैसे यूजुअली के फिनटेक वगैरह रहते हैं, लेकिन इसमें बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, ये इसका रजिस्ट्रार है। आपको अलॉटमेंट इस पर जाकर चेक करना पड़ेगा। तो ये कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स थी। और इसके अलावा अगर मैं आपको इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी दिखा देता हूँ कि अभी की डेट में इसका कितना ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है मार्केट में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है अब्बास होल्डिंग का मात्र 15 रुपये का चल रहा है। 270 इसका यहाँ पर कट ऑफ प्राइस है, और 15 रुपये आप ऐड करेंगे तो आपको 285 के आसपास लिस्ट होता देखने को मिल सकता है। जिसके हिसाब से आप परसेंटेज रिटर्न देखेंगे तो आपको 5.56 के आसपास यहाँ पर आपको लिस्टिंग होता हुआ आपको इतना प्रॉफिट यहाँ पर मिल सकता है। तो JMP यहाँ पर उतना अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से देखा जाए तो IPO यहाँ पर इतना अच्छा इसका लग नहीं रहा है कि आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा, और इसका डिमांड भी उतनी नहीं है ग्रे मार्केट में। तो इस IPO को आप अवॉइड भी कर सकते हो, और चाहो तो आप इसमें अप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन आप इसमें अच्छी खासी लिस्टिंग की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते मार्केट में, क्योंकि इसकी ग्रे मार्केट में कोई ज़्यादा डिमांड है नहीं है।
तो आप ऐसे इसको नॉर्मल 5-10% के लिए अप्लाई कर सकते हो चाहो तो, लेकिन आपको इसमें तगड़ा रिटर्न नहीं मिलने वाला है अगर आप इसको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। ये था इस वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब।